हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर मटेरियल्स। कंडक्टर बेसिकली क्या होता है? कंडक्टर क्या करता है? करंट को कैरी करता है। कंडक्टर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। तो कंडक्टर क्या है? किसी मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? फर्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। दूसरा क्या है? उस कंडक्टर मटेरियल, जो भी हम कंडक्टर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, ताकि वो मैकेनिकल स्ट्रेस को बियर कर सके। थर्ड क्या होना चाहिए? लो कॉस्ट होना चाहिए उस मटेरियल का, ताकि हम लॉन्ग डिस्टेंस में उसका यूज़ कर सके। तो जनरली हम लोग जो कंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं वो क्या क्या है? फर्स्ट है आपका कॉपर, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है स्टील कोर्ड एल्यूमिनियम, या फिर इसी को बोलते हैं ACSR कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ACSR कंडक्टर का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो क्या होता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर। तो हम जो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं वो किस टाइप का कंडक्टर होते हैं? आपका ACSR कंडक्टर होता है। दूसरा जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है? आपका गैल्वेनाइज्ड स्टील, और लास्ट जो है वो कैडमियम कॉपर। फर्स्ट हम देखते हैं कॉपर। कॉपर का एडवांटेज क्या होता है? एक आइडियल मटेरियल है कॉपर। इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई होता है, जो करेंट कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या होता है? हाई होता है। स्मॉलर क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज़ रिक्वायर्ड। जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, अगर हम कंडक्टर कॉपर यूज़ कर रहे हैं ऐसा कंडक्टर मटेरियल, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमको चाहिए करेंट कैरी करने के लिए, वो बहुत ही कम होता है कॉपर में। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, इसलिए हम जनरली कॉपर को यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा हम देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देखा जाए अगर कॉपर के कंपेयर में, तो चीप होता है और लाइट रहता है एज़ कंपेयर टू कॉपर। इसका जो कंडक्टिविटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ है एज़ कंपेयर टू कॉपर कम होता है। कंसिडरिंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्ट, कंडक्टिविटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड वेट, एल्यूमिनियम हैज़ एज ओवर कॉपर, देयरफॉर इट इज़ बीइंग वाइडली यूज्ड एज अ कंडक्टर मटेरियल। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टील कोर्ड। स्टील कोर्ड एल्यूमिनियम, या फिर इसी को बोलते हैं ACSR कंडक्टर। ड्यू टू लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम कंडक्टर प्रोड्यूसेस ग्रेटर सैग। एल्यूमिनियम का आपको पता है कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? कम होता है। तो जिसके कारण अगर हम सिर्फ एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं तो कंडक्टर लाइन में सैग प्रोड्यूस हो जाता है। सैग क्या होता है? सपोज़ ये आपका टावर वन है और ये आपका क्या है? टावर टू है। दोनों के बीच से क्या जा रहा है? आपका कंडक्टर लाइन जा रहा है। तो ये कंडक्टर जो लाइन कंडक्टर है वो क्या होना चाहिए? हमारा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। लेकिन अगर जो कंडक्टर मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगा, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? ये जो कंडक्टर लाइन है वो स्ट्रेट ना होकर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा स्लोप में आ जाएगा, थोड़ा सा स्लोप में आ जाएगा। तो ये जो स्लोप में आता है वो क्या कहलाता है? आपका सैग कहलाता है, ठीक है। और पावर सिस्टम में दो टावर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पैन बोलते हैं, ठीक। तो कोई भी अगर हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कंडक्टर मटेरियल, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, ताकि ट्रांसमिशन लाइन में ये सैग प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं ACSR कंडक्टर में एल्यूमिनियम के साथ साथ क्या यूज़ करते हैं? स्टील भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ साथ हम क्या करते हैं? स्टील भी यूज़ करते हैं। स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर हम एल्यूमिनियम के साथ स्टील को मिक्स कर दें तो क्या होगा? जो कंडक्टर मटेरियल है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, बीच में जो रहता है आपका वो क्या रहेगा? स्टील का कोर रहेगा, और चारों साइड जो लेयर्स रहेंगे वो किसके रहेंगे? एल्यूमिनियम के रहेंगे, ठीक है। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो सेंटर वाला कोर है वो क्या है? आपका स्टील का है, और जो चारों साइड जो है वो क्या है? एल्यूमिनियम्स के लेयर है, ठीक है। इस लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्टैंड है वो किसका है? आपका एल्यूमिनियम का है।
तो इस कंडक्टर में क्या हुआ, एल्यूमिनियम का भी प्रॉपर्टी आ गया और स्टील का भी प्रॉपर्टी आ गया। कॉपर को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉस्टली है। एल्यूमिनियम का अगर हम कंपेयर करें कॉपर से तो टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंडक्टिविटी कम होती है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो ट्रांसमिशन के पर्पस के लिए हम ACSR कंडक्टर का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ACSR कंडक्टर क्या होता है, सेंटर में आपका स्टील कोर रहेगा और चारों साइड क्या रहेगा, आपका एल्यूमिनियम कोर रहेगा, एल्यूमिनियम लेयर रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैंड बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील। गैल्वेनाइज्ड स्टील ऐसा कंडक्टर मटेरियल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है पर इसकी कंडक्टिविटी जो होती है बहुत ही कम होती है, इसलिए गैल्वेनाइज्ड स्टील को हम ऐसा कंडक्टर मटेरियल जनरली यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैडमियम कॉपर। कैडमियम कॉपर मटेरियल में क्या होता है, 1 से 2% तक कॉपर में कैडमियम ऐड किया जाता है। ठीक है, कॉपर है उसमें हम 1 या 2% क्या ऐड करेंगे, कैडमियम ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाता है, बट अगेन ये क्या हो जाता है, आपका कॉस्टली हो जाता है। तो ये जो चैप्टर था आपका क्या था, कंडक्टर मटेरियल के ऊपर था।